बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल हमीर एशियन किचन। मैं हूँ आपका शेफ़ अमीर बख्श। आज जो मैं रेसिपी अपने तमाम बहनों और भाइयों के साथ शेयर कर रहा हूँ वो है बैंगन की चटनी, या दूसरे मानों में इसको एक अरबी डिश इसके साथ भी तकरीबन कंपेयर है, वो है हामोस। तो ये देखिए बैंगन मैंने रख दिया है, ये क्योंकि ये बैंगन जो है वो चूल्हे के ऊपर, तो एक तरफ से मतलब ये है कि फिर उसके बाद मैं इसके छिलके वगैरह निकाल लूँगा, तो बाकी चीज़ें जिस जैसे मैं इसमें ऐड करूँगा वो आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगा। और मुझे उम्मीद है कि ये रेसिपी काफ़ी हद तक आप लोगों को पसंद आएगी। ये छिलके निकालने के बाद बाकी जैसे जैसे जो चीज़ें इसके अंदर ऐड होती हैं वो उसमें मैं ऐड करूँगा, आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगा। फ्रेंड, अगर इसको ग्राइंड किया जाए तो इसकी टेस्ट इतना नहीं होता, तो इसलिए करके मैं इसको कूट लूँगा। तो कूटने के अंदर क्या क्या इसमें मैं जो स्पाइसी वगैरह जो मैं इसमें डालूँगा वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। मुझे उम्मीद है कि ये रेसिपी काफ़ी हद तक मेरी जो है आप लोगों को पसंद आएगी, इंशाल्लाह बड़ी उम्दा बनती है। और अरबी के अंदर ये कि कुछ चीज़ें और ऐड करते हैं, हम अपने हिसाब से कुछ रेसिपियाँ ज़रा चेंज करके इसके अंदर ऐड करते हैं। तो जैसे बैंगन हमारा कम्प्लीट हो जाएगा तो जब मैं कूटना शुरू करूँगा तो आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँ। तो व्यवस्थित देखें, मैंने इसके छिलके काफ़ी हद तक इसके मैंने निकाल लिए, तो बाकी चीज़ें जैसे मैं इसमें ऐड करूँगा आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम टू यू। तो फ्रेंड देखें, ये एक कूटने के लिए मैंने ये रखा हुआ है, बाकी ये स्पाइसियाँ आपके सामने पड़ी हुई हैं। अब मैं आपके साथ ये मैं शेयर करता हूँ। दो अदद मैंने लिए मिर्ची, लेकिन मैं इसमें एक ही यूज़ करूँगा। आप अपने जायके के हिसाब से मिर्ची कम या ज़्यादा भी रख सकते हो, ठीक है फ्रेंड। चार अदद मैंने लिए लहसुन, चार अदद लहसुन, और ये कुछ पुदीना और धनिया, ठीक है। धनिया मैं इस तरीके से इसमें काट दूंगा तो ये कूटने में जो है काफ़ी हद तक इजी हो जाए। और मुझे उम्मीद है कि ये मेरी छोटी सी रेसिपी मेरे तमाम बहनों को भाइयों को काफ़ी हद तक इंशाल्लाह पसंद आएगी। आई होप कि आप लोग दोबारा भी अपने घर में ज़रूर एफर्ट करोगे। और मैंने ये जायके के हिसाब से मैंने सॉल्ट लिया है, ठीक है ना। और ये बैंगन जो है ये मैंने रख दिए थे स्टीम पे, ये काफ़ी हद तक ड्राई हो गए, फिर मैंने उनको छिल के निकाल दिए, आप लोगों के साथ मैंने शेयर भी किया था, ठीक है ना। अब इसको मैं कूट लेता हूँ, कूटने के बाद फिर आपके साथ ये चटनी बना के मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम टू यू। तो बस ये थी आज की हमारी रेसिपी बैंगन की चटनी, या दूसरे मानों में आप उसको अरबी हामोस भी कह सकते हैं। तो इंशाल्लाह एक दफ़ा आप ज़रूर उसको टेस्ट करके देखें, इसकी क्वालिटी, इसका जायका, और इंशाल्लाह आपको काफ़ी हद तक ये पसंद आएगी। और ये मुझे मेरे एक दोस्त हैं गुलाम ग्वादरी, उनकी रिक्वेस्ट थी, उन्होंने मुझे कमेंट किया था कि जी ये चीज़ आप बना के मेरे साथ शेयर करें। तो गुलाम क्वादरी जो मेरे दोस्त हैं वो इस वक्त अबू धाबी के अंदर होते हैं, बेसिकली वो प्यार से उनको ग्वादरी लोग कहते हैं, बेसिकली वो बिलोंग करते हैं युगांडा से, और इन्होंने मुझे ये गिफ्ट भी दिया है। तो इसीलिए करके मैंने इसी के अंदर कूटा है ताकि मेरे दोस्त गुलाम ग्वादरी को वो चीज़ें याद रहें, और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ अपने दोस्त गुलाम ग्वादरी का कि इन्होंने मुझे ये गिफ्ट दी। आज जो मैं रेसिपी कोई भी बनाता हूँ जिसमें अगर कुछ कूटने की चीज़ होती है तो इसमें मैं कूट लेता हूँ, तो इसको मैं देखता हूँ तो मुझे मेरे भाई गुलाम ग्वादरी की याद आती है। अल्लाह पाक करके गुलाम ग्वादरी खुश हो, आबाद हो। तो गुलाम ग्वादरी, मैंने ये आपकी रिस्पेक्ट जो है एक्सेप्ट की है, आपके लिए जो बैंगन की चटनी है अरबी में, आप लोग तो वहाँ पर उसको हामोस कहते हैं, तो मैंने आप लोग के लिए हामोस बनाया। तो मुझे उम्मीद है कि मेरे जो भाई है गुलाम ग्वादरी वो काफ़ी हद तक खुश होंगे,
और गुलाम कादरी मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे ये गिफ्ट दिया। ये बेसिकली इन्होंने लाया था योगंडा से, वो योगंडा से बिलोंग करते हैं, योगंडा के रहने वाले हैं, लेकिन माशाल्लाह उर्दू तो बिल्कुल वो फास्ट बोलते हैं, क्योंकि सारी ज़िंदगी हम यूएई में रहें तो बहुत अच्छी उर्दू बोलते हैं गुलाम कादरी। तो गुलाम कादरी थैंक यू सो मच। और व्यूअर्स कैसी लगी मेरी आज की आपको रेसिपी, मुझे ज़रूर आप कमेंट करें। और अगर आप लोग को मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा मुझे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अल्लाह पाक आप लोग को शाद रखे, आबाद रखे। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।